Hello friends, this is Shoaib and now you're watching Maximum Electronics. If you're not subscribed our YouTube channel, then please subscribe our YouTube channel. और जैसा कि आपने हमारे पहले सेगमेंट में सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के पहले सेगमेंट पे हमने देखा था कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं और किसी भी प्रकार के कंपोनेंट है उसे डिसोल्डरिंग कैसे करते हैं, सोल्डरिंग कैसे करते हैं, आईसी कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हमने पहले पार्ट में देखा था। तो वहाँ पर हमने जो सोल्डरिंग आयरन थी वो हमने जनरल जो सोल्डरिंग आयरन होती है बड़ी वाली उससे हमने यूज़ किया था और उसके थ्रू हमने कुछ कुछ पीसीबी पर काम किया था। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, ये जो है पहले वीडियो का पार्ट टू है कह सकते हैं सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो सोल्डरिंग आयरन क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपने अभी हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखा तो आज हमारे पास एक माइक्रो सोल्डरिंग आयरन है। तो अब माइक्रो सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, तो ये देखिए ये हमारा माइक्रो सोल्डरिंग आयरन है। ये हमने हंजन का माइक्रो सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया है, जिसमें हम टेम्परेचर को लो या हाई कर सकते हैं थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पर हमने ऑन ऑफ का स्विच है, देखिए ऑन करने पे ये एलईडी ग्लो करती है और ये डीसी पर काम करती है, तो करंट लगने का इसमें ख़तरा नहीं होता है। और चूंकि इसका कॉइल भी बहुत छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता, जिससे जलने का भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का पिन है, जिसे हम इस सोल्डरिंग आयरन में यहाँ पिन में कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, हमारी एलईडी ग्लो हो गई है। अब हम टेम्परेचर सेट करेंगे, फिलहाल मैंने इसे टेम्परेचर फुल पे रखा है और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब इसे हीट करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पेस्ट और ये हमारा रंगर। तो अब चूँकि माइक्रो सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि छोटे से छोटे कंपोनेंट पे इसे यूज़ किया जाए। तो हम एक हेडफोन का ये स्पीकर है, इसे यूज़ करेंगे। तो जब तक हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है, उस टाइम पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स सी। तो हम ये हमारा मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी की रेंज पर हम अपने मल्टीमीटर को सेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये हेडफोन जो है कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें बीप का साउंड आना चाहिए, देखिए। तो ये हमारा जो हेडफोन है बिल्कुल काम कर रहा है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ये जो टू टर्मिनल्स, जो दोनों टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, उन दो टर्मिनल पे हमने इसे लगाना है। तो ये टर्मिनल पे हम ये, इसमें पोलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये देखिए बीप सायरन आ रहा है हमारा, 26-27 रीडिंग आ रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये हेडफोन हमारा सही है। तो अब इस हेडफोन को हम रिमूव करेंगे थ्रू दिस सोल्डरिंग आयरन। ओके, मेरे हिसाब से सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गई होगी। हाँ देखिए, तो हमारा सोल्डरिंग आयरन लगता है गर्म हो गया है। तो हम थोड़ा सा रंगा ले लेते हैं। तो ये हमारा सोल्डरिंग आयरन मतलब गर्म हो चुका है। तो हम डिसोल्डरिंग कर रहे हैं, फिर भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है। तो ये हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। क्या है, पेस्ट हमारा हीटिंग एलिमेंट है, तो जहाँ से हमें सोल्डरिंग करना है या डिसोल्डरिंग करना है, तो वहाँ पे हम पेस्ट यूज़ करते हैं। उससे क्या है, ये अच्छी तरीके से हीट हो जाता है। तो ये हमने ये सोल्डरिंग आयरन लिया और देखते हैं इसको डिसोल्डरिंग करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए ईजिली हमने ये वायर रिमूव कर लिया है और एक तो खुद ब खुद निकल गया। तो इसे साफ कर लेते हैं, ज़्यादा रंग है यहाँ पे। तो ये हमने रिमूव कर लिया है। अब इसे हमने जहाँ माउंट करना है, तो हम माउंट करने के लिए हमारे पास एक हेडफोन है जिसका एक साइड जो है हमारा निकल गया है। ये देखिए हमारा हेडफोन, ये भी मॉडिफाइड हेडफोन है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से हेडफोन रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं। हमारे चैनल में सारे तरीके के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस हेडफोन से रिलेटेड है, तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखना ना भूले। और देखिए, तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप के वायर यूज़ करने हैं, तो मोबाइल में या हेडफोन में इस टाइप के वायर होते हैं, तो इस पर हम क्या कर देते हैं, इंसुलेटर की कोटिंग कर देते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग, जिसकी वजह से कंडक्टर जो है शॉर्ट नहीं हो पाता। जैसे एक वायर के अंदर में, एक केबल के अंदर में सॉरी दो वायर है,
तो इसे हमने जलाना पड़ेगा। तो जलाने के लिए प्रोसेस वही है, थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन में हमने लेना है रंगा। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि हमारा वायर, देखिए ये हमारे वायर पे कोटिंग आ गई है, और वैसे ही हमने इस वायर पर भी करना है, थोड़ा पेस्ट और ले लें। फाइनली हमारे वायर पर कोटिंग आ गई है, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए रंगा की कोटिंग आ चुकी है। तो अब ये बहुत ही आसान है हमको इस स्पीकर पर माउंट करना है इस वायर को। तो देखिए थोड़ा सा हमने पेस्ट और ले लेना है, और ये हमारे पॉइंट है स्पीकर के, उस पर हम इसे अटैच कर देते हैं। थोड़ा और पास से दिखा सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा वायर जो है इस पर माउंट हो गए हैं, सोल्डरिंग हो गए हैं। तो आज इस पार्ट में हमने देखा कि सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग कैसे करते हैं थ्रू दी माइक्रो सोल्डरिंग आयरन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो ना भूलें। हम हर